मिलियन डॉलर दिए नालों की सफाई के लिए, उसके बावजूद भी वो ना कर सके। साढ़े चार साल तक इंतजाम किए शहर चलाया, मुझे तो याद नहीं पड़ता कभी नालों की सफाई के लिए कभी कुछ फंड आया। करना वैसे किसने होता है, जिम्मेदार कौन है? 100% जिम्मेदारी लोकल गवर्नमेंट की है। क्या वो सही कहते हैं हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है? आज उनके पास सारे अख्तियार और पैसे मौजूद है, बताने को नालों की सफाई। अब ये लोग करें तो करें क्या? गवर्नमेंट को सब कुछ पता है कि क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सबतैन और एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ। और बात करनी आज हमें कराची पर, उस डूबते हुए कराची पर, वो शहर कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। और जैसे कि मैं गुज़िश्ता जो हमारी एक सिटिंग हुई उसमें मैंने बताया कि किस तरह से कराची में पानी सब उबल उबल कर बाहर आ रहा है, गटरों से पानी बाहर आ रहा है, गंदे नाले वाला पानी जो है लोगों के घरों के अंदर, ताफुन ज्यादा पानी जो है लोगों के घरों के अंदर दाखिल हो रहा है। ये किसकी जिम्मेदारी है, वो जो 12 20 30 सालों से यहाँ पर मौजूद है, या पीटीआई की जिम्मेदारी है, या कौन है जो कि जिम्मेदार है? आज इस मौजू पर बात करने के लिए बहुत ही मौजूद शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा कमाल साहब। जी वालेकुम। मुस्तफा कमाल साहब, कराची का दर्द आपको भी है, हमें भी है, और कराची को आपने अपने सामने बेहतर होते और फिर दोबारा खराब होते देखा। एक वो टाइम था जब मुशर्रफ साहब ने बलदियाती निजाम लाया, और अब एक ये टाइम है जिसमें कानून में तरमीम करके उस बलदियाती निजाम के हाथ पांव इस तरह से कसती हैं। थोड़ा बताइएगा, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में आपको सुन रही थी, आप कह रहे थे मेरे हवाले करें कराची, मैं इसको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। वो कौन सी छड़ी है जिससे कि इसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है? वो क्या था जो इनके पास नहीं है, जो आप समझते हैं कि आप कर सकते हैं? देखिए, दो दो बातें हैं। एक तो जो इख्तियारात और वसाइल का जो होना है, वो अगर वो इस हद तक तो ठीक है कि अगर आप उन्हें कहें कि आप भाई नए फ्लाईओवर्स बनाएं, नए ब्रिजेस बनाएं, नए अंडरपासेस बनाएं, तो कहेंगे भाई हमारे पास इख्तियारात नहीं है। वो क्या आप कहें भाई नई सड़कें बनाएं, नए हॉस्पिटल बनाएं, नए स्कूल बनाएं, तो कहेंगे भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास इख्तियारात नहीं। ठीक बात है, लेकिन जब बात आती है कि कचरा उठाया जाए कराची का, जब बात आती है कि पीने का पानी दिया जाए, जब बात आती है कि भाई नालों की सफाई किया जाए की जाए, तो जब ये उस पर कोई कहे कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये झूठी बात है कि नाले की सफाई के इख्तियारात नहीं है, कचरा उठाने के इख्तियारात नहीं है। यहां पर मैं कहता हूं कि उस पर मैंने ये वाली बात कही होगी कि भाई जो लोग ये कहते हैं, और मैंने कही कि आपको पता है, आज से चंद महीने पहले मैंने जब ये बात की, ऑफिशियली ये बात की कि भाई ये लोग झूठ कहते हैं, गलत कहते हैं कि इनके पास कचरा उठाने के इख्तियारात नहीं, आप यही इख्तियारात मुझे दे दें 3 महीने के लिए, मैं शहर को साफ कर दूंगा। सिर्फ सफाई की बात हो रही थी, तो मेयर साहब ने मुझे रिडिक्यूल करने के लिए मेरा एक ऑर्डर निकाल दिया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर का ऑर्डर निकाल दिया कि मैं मुस्तफा कमाल को प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दूं। 8 महीने पहले की बात है, वो समझे मैं भाग जाऊंगा। मुस्तफा कमाल एमपी रहा है, वजीर रहा है, सेनेटर रहा है, मेयर रहा है, पार्टी का भी चेयरमैन है, लेकिन मैंने 2 घंटे के बाद एक्सेप्ट कर लिया टू ऑफर, और मैंने कहा कि आज से जो है वो मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूं, अच्छे कर रहा हूं, तो मैंने रात से काम शुरू कर दिया। अगले दिन उन्होंने 14 घंटों के बाद जाकर उन्होंने उस ऑर्डर को वापस ले लिया। पता ही चलता है, इस वाली बात को बताने का मकसद यह है कि अगर इख्तियारात और वसाइल नहीं होते तो मेरे पॉलिटिकल ओपोनेंट ने मुझे छोड़ देते, मैं 3 महीने के बाद मैं नाकाम हो जाता, मैं सफाई नहीं कर पाता। तो उनको पता है इस वाली बात का कि अभी भी इतने इख्तियारात और वसाइल हैं कि शहर साफ हो। तो मैंने इस वाली बात पर बात की, कोई आदमी की जड़ी नहीं है, किरदार है। मेरा ये मानना है कि बद किरदार अगर कोई हो तो उसको अगर आप लंदन और अमेरिका के शहरों का भी मेयर बना देंगे तो वो और ज्यादा बद किरदारी करेगा, और ज्यादा करप्शन करेगा, ये वहां पे भी जो है वो नालियां बह रही होंगी और वहां पे भी कचरा उबल रहा होगा। लेकिन अगर किरदार है तो इसी काम को हलाल तरीके से अगर लोग इस काम को करेंगे सही तरीके से, तो ये शहर नए प्रोजेक्ट नहीं बन सकते, यकीनन इख्तियारात नहीं होंगे, लेकिन ये शहर मेंटेन हो सकता है, ये शहर इसकी मेंटेनेंस हो सकती है, ये इख्तियारात नहीं पैसों में, ये तो मुझे पता है इस वाली बात पे, इतने पैसे तो है। मैं कोई ऐसा आदमी हूँ जिसको जो लास्ट वो उस ऑफिस से निकल कर आया है, आज भी मुझे जो पक्का मिलता है तो मुझे खबर मिलती है। तो इस बात में मैं कहता हूँ कि कोई मुझे चैलेंज कर ले आ जाए, तो मैंने चैलेंज किया था आपको, मैंने बातें बताया कि मैंने कहा कि मैं 3 महीने में ठीक कर दूंगा, उन्होंने जो मुझे डायरेक्टर बनाया, मैंने कहा एक्सेप्ट करी थी बात। मुस्तफा कमाल साहब, शहर कराची की हम बात कर रहे थे और आप बता रहे थे कि वो कौन सा नुस्खा है जो कराची को ठीक कर सकता है। अच्छा, नासिर हुसैन साहब अभी गुज़िश्ता दिनों टीवी के ऊपर बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये कोविड-19 आ गया
वरना हम दो माह पहले काम शुरू कर देते हैं, मामला काफी बेहतर होते हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी उन्हें कोई तकरीबन $8 मिलियन दिए हैं नालों की सफाई के लिए, उसके बावजूद भी वो ना कर सके। तो ये कोविड तो अभी आया, इससे पहले ये लोग क्या करते रहे? देखिए, मैं उनकी बात पे तो मैं क्या जवाब दूं, मैं तो अपना आपको अपना मौकफ सिर्फ बयान कर सकता हूं। मैंने जितनी 4 सालों में बातें कर ली हैं, मैं कहता हूं कि सारी बातों को बार बार रिपीट करना अच्छी बात नहीं है, और कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर मैंने अपना मौकफ ना दे दिया, और कोई ऐसा टाइम नहीं है कि जब हमारी बात जो है वो सही साबित ना हुई। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैंने 4.5 साल तक ये निजामत की है, शायद चलाया, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कभी नालों की सफाई के लिए कभी कोई फंड आया, मुझे तो याद नहीं पता कि नालों की सफाई कभी कोई पैसा हो के कोई पैसे होती है। तो रूटीन के काम है सारे, और बारिशों से 3-4 महीने पहले रूटीन के काम, एम्प्लॉइज मौजूद हैं, मशीनें मौजूद हैं, आज भी इस लोकल गवर्नमेंट के पास चीजें मौजूद हैं। तो कौन सा वर्ल्ड बैंक जो वो भाई इतने सालों से नाले साफ करे, तो वर्ल्ड बैंक पैसे दे रहा था या IMF पैसे दे रहा था या कोई और फंड, मुझे तो हैरत होती है सारी बातों को सुनकर। देखिये, मसला सारा मैं पहले दिन से कहना चला रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जो सिटी गवर्नमेंट लोग हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो लोग हैं, डेफिनेटली वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, वो करप्ट हैं, वो नाहल हैं, और उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने कोशिश ही नहीं की जानने की कि लोगों को परेशानी से बचाने के लिए क्या किया जाए, और इसलिए हमारे ये हालात हो रहे हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नाले हमारे यहाँ जो मेन नालों को 7 नाले हैं जहां पर सारा पानी जाकर गिरता है, बारिशों से 3-4 महीने पहले उनकी सिल्टिंग होती है, लेकिन जब नाले जो है सिल्ट से भर जाते हैं, मिट्टी से भर जाते हैं, अगर आप उसके अंदर स्पेस नहीं बनाएंगे, जब भी बारिश होगी, थोड़ी बहुत बारिश होगी और जितना सा पानी जाता है तो फिर वो बैक हो जाता है। और यही हुआ सारा कि जब ये बारिश है अभी सेंट्रल में और वेस्ट में, जब बारिश हुई है तो औरंगी नाला और औरंगी और गुजर नाला, दो नाले वो पहले से, क्योंकि उसमें डीसिल्टिंग नहीं हुई, तो वो नाला नाले में पानी जाने के बजाय नालों का पानी वापस जो इलाकों में और घरों में गया है। कोई इतनी तेज बारिश नहीं हुई कराची में कि जिससे ये सब कुछ सैलाब की तरह इस तरह से बह रहा हो। तो जिस तरह से एक इंसान को मेंटेनेंस की जरूरत होती है, वो मुंह धोता है, नहाता है, कंघी करता है, इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मेंटेनेंस की, नहलाने की जरूरत होती है, उसको कंघी करने की जरूरत होती है, उसका मुंह धोने की जरूरत होती है। ये निजाम छोड़े में 10 साल हो गए और 10 सालों में यहाँ पर इन्होंने मेंटेनेंस पे कुछ भी नहीं किया। तो कोई भी अगर ये कह रहा है कि उसके पास नालों की सफाई के लिए और कचरा उठाने के लिए पैसे नहीं, तो मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ कि वो बहुत गलत कह रहा है। सही नहीं। अच्छा, तो मुस्तफा कमाल साहब, पानी आपने बिल्कुल ठीक कहा, बारिश इतनी ज्यादा नहीं हुई, लेकिन जो हाल हुआ है वो बहुत ही बुरा हाल है। तो ये करना वैसे किसने होता है? ये जिले हुकूमतें सूबाई हुकूमत के ऊपर डाल देती है, सूबाई हुकूमत जिले हुकूमत पे, वसीम अख्तर साहब क्या कसूर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कसूर है, वैसे जिम्मेदार कौन है? ये जो भी वसाइल, जो भी थोड़े ज्यादा कम किसको मिले हुए हैं, किसने लगाने, इख्तियारात किसके पास है? बल्दियाती इंतखाबात दोबारा होने वाले हैं, पता नहीं उनका क्या नतीजा होगा, थोड़ा ये बताएं जरा, बाजे तो ना, हम तो हर वक्त सुनते हैं एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, जिम्मेदार कौन है? लोकल ये जो नालों, अगर आप देखें पर्टिकुलर, जब आप सब्जेक्ट वाइज जब बात करेंगे तो अलग अलग जिम्मेदारियां। अभी हम बात कर रहे हैं नालों की और सफाई की, ये 100% जिम्मेदारी लोकल गवर्नमेंट की है, आज भी लोकल गवर्नमेंट की है, मेयर की जिम्मेदारी है, उनके चेयरमैन की जिम्मेदारी है, उनकी यूसी चेयरमैन की जिम्मेदारी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अगर मेयर काम नहीं कर रहा तो उसके पास कानून में अख्तियार है कि मेयर की किस तरजनिश करे, उसको तंबी करे, उसे बयान देकर ये नहीं कह सकते कि भाई हम क्या करें, मेयर काम नहीं कर रहा। नहीं भाई, मेयर से काम करवाना प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो दोनों एक दूसरे को ब्लेम डालने, कोई कुछ नहीं कर रहा तो डेफिनेटली दोनों अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। लेकिन प्राइम जॉब ये जो सफाई की है, नालों की सफाई की, वो मेयर के अंडर में आज भी सारे चीज ठीक है। लेकिन क्या वो सही कहते हैं कि हमें फंड्स नहीं दे रहे, हमें हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है, या वो झूठ कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, वो कर सकते हैं? मुख्तसर सा अगर इसका जवाब। जी, वो गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, जहां तक अगर एज फार एज क्लीनलीनेस इज कंसर्न, नालों की सफाई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज कंसर्न, वो झूठ बोल रहे हैं। वो आज भी उनके पास सारे अख्तियार और पैसे मौजूद हैं कचरा उठाने के और नालों की सफाई। चलिए ठीक है। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, आखिरी सवाल, क्या कराची के लिए अब फाइनली आप समझते हैं कि अब तो जो हो गया सो हो गया, पानी जहां सर तक पहुंच गया पहुंच गया, लोग बेचारे जो है जिस हाल में है तो है, अब ये लोग करें तो करें क्या? 1, 2, 3 क्या आप गवर्नमेंट को क्या बताएंगे, सिंध हुकूमत को या बलदियाती हुकूमत को क्या कहेंगे आप? नहीं, गवर्नमेंट को बताने का कोई फायदा नहीं है, गवर्नमेंट को सब कुछ पता है कि क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट को मैं ये सिर्फ अगर बताऊं कि अल्लाह से डरें और अपनी हराम
अपना खाना जो है बंद कर दें, अगले दिन से चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी, नंबर वन। नंबर टू, ये मुझे जो बताना है, लोगों से बात करनी है, वो लोगों से बात करनी है। देखिए, ये गवर्नमेंट लोग कहते हैं कि हम तो जमहूरी लोग हैं, लोगों के वोटों से आए, सही कहते हैं। लोगों ने अपने ऊपर ऐसे लोगों को मुसल्लत किया है कि जो उनकी बच्चों को, उनकी नस्लों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो लोगों को सोचना है कि भाई, उनके ही वोटों से आकर लोग उनके बच्चों को मार रहे हैं, जमहूरी दहशतगर्दी हो रही है जमहूरियत के नाम पर, ये लोगों का। तो मैं तो हुक्मरानों से कोई बात नहीं करने की जरूरत है, उन्होंने यही करना है जो कर रहे हैं। हमें तो, मैं तो बात लोगों से कर रहा हूं, तो इसकी सब चीजों की, इन सब चीजों के कसूरवार लोग हैं। लोगों ने इनको मुसल्लत किया, अपने अपने बच्चों के कातिलों को अपने ऊपर मुसल्लत लोगों ने किया है। तो लोगों को अपने फैसलों पर नजरसानी करनी चाहिए। अगर वो एक इवेंट के बाद खुश हैं, दोबारा भूल जाएंगे और दोबारा जो है वो इसी तरह से जिए जिए करते रहेंगे, तो फिर अल्लाह का फिर इसी तरह से इम्तिहान से, अल्लाह ताला के इम्तिहान से गुजरते रहेंगे, मैं समझता हूँ। तो किसी ने कुछ नहीं करना, लोगों ने करना है, और लोगों को मैं समझता हूँ कि अपने फैसले पर, अपने अपने इंतहाब पर नजरसानी करनी चाहिए। चलिए ठीक है, मुस्तफा कमाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने टाइम दिया, शहर कराची इसकी जो सूरत हाल है उसके ऊपर आपने अपनी राय दी, और यकीनन अपनी तकदीर जो है अपने हाथ से ही बदलनी है, और आप लोगों ने वाकई सोचना है कि किसको वोट देने हैं, कैसे वोट देने हैं, और जो लोग जिनको आप सिलेक्ट कर चुके हैं, आजमा चुके हैं, उससे अब आगे बढ़िए और देखिए कि कौन लोग वाकई डिलीवर करे और उनको वोट दीजिए। मुस्तफा कमाल साहब, एक दफा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इंशाल्लाह नाज़रीन, आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे महरीन सिप्तैन को इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।